वेलकम टू माय चैनल वरदास फूड कोर्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के गुलाब जामुन। ये हमारे पास 2 कप सूजी है, 2 कप, और ये 1 कप हमारे पास शुगर है। 1 कप ही हम पानी डाल देंगे इसमें। एक ही कप से हम मेजर करेंगे सब चीज़ें, सूजी भी और ये भी। सूजी भी हमने 2 कप इसी से ली है, सूजी ही हमें लेनी है, रवा नहीं लेना है। अब हम सूजी को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। चाशनी को हम पकने के लिए रख देंगे, हमें एक तार की चाशनी बनानी है, बहुत गाढ़ी नहीं बनेगी चाशनी। चाशनी को हमने पकने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम में, और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। अब लो फ्लेम पर हम सूजी को रोस्ट कर लेंगे 2-3 मिनट। ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करनी है, कलर इसका लाल नहीं होना चाहिए, डार्क। हल्की सी रोस्ट करेंगे। ये थोड़ा सा हम घी डाल देंगे, 1 टीस्पून से कम, देसी घी है ये। हमने सूजी को रोस्ट कर लिया है हल्का सा, और इसी कप से हमने सूजी ली थी 2 कप। अब 2 कप ही दूध डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हिलाते रहेंगे ताकि लम्स नहीं बने। फ्लेम बिल्कुल लो है हमारी, लो फ्लेम पर ही हमने सूजी भूनी है। अब दूध भी थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। टाइट डो की फॉर्म में आ गई है, अब हम इसे तार देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। और एक इलायची का मुँह खोल कर हमने डाल दिया, हरी इलायची थी ये। 3-4 स्ट्रिंग हमने ज़ाफ़रान के डाल दिए हैं, और सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी है। हाथ को लगा के ऐसे देखेंगे, ये अगर चिपकती है तो वो एक तार की चाशनी होती है, ये अभी नहीं बनी है। तरह से हम गूंद लेंगे इसको, जैसे मैदा गूंदते हैं, ठंडा होने के बाद कि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। तब हल्का सा ऑयल लगाएंगे हाथ पे, और ऑयल लगा कर जितने बड़े भी हमें जामुन बनाने हैं इतना हम तोड़ लेंगे इसमें से। अब इस तरीके से हम जामुन बना देंगे, सारे जामुन ऐसे ही बना लेंगे। बिल्कुल स्मूथ बना है, गुलाब जामुन बना लिए हैं सूजी के, और ये हमारा शीरा भी तैयार हो गया है इस तरह से। एक चाशनी का इस पे हमारा चिपक रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। फ्लेम पर हमने ये ऑयल रख दिया है, घी में भी तल सकते हैं इसको, देसी घी में। और इस तरह से एक एक हम डालते जाएंगे। फ्लेम हमारी बिल्कुल लो होनी चाहिए, हमने थोड़ा गर्म करके इसको, अब फ्लेम जो है हमने लो कर दी है। अब 2-3 मिनट तक हम इसे नहीं हिलाएंगे, ऐसे ही तेल में होने देंगे। बिल्कुल भी नहीं टच किया है, इस तरह से ये फ्राई हो रही हैं। और फ्लेम 2 मिनट हमने लो फ्लेम पे पकाया था, फिर हमने इसको फ्लेम जो है वो हमने सिमर कर दी है। अगर मीडियम या हाई फ्लेम पे इन्हें पकाएंगे, फ्राई करेंगे, तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, सही नहीं फ्राई होंगी, इसलिए इसे लो या सिमर पर ही हमें फ्राई करना है। ये हमने 10 मिनट तो इसको सिमर पे फ्राई होने दिया था, उसके बाद हमने फ्लेम जो है लो कर दी थी, और तेल भी हमने मीडियम हॉट रखा था जिस वक्त हमने इनको डाला था। ये हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम शीरे में डालेंगे। शीरे को हल्का गर्म होना चाहिए, और हल्का गर्म करके शीरे को उसमें डाल देंगे हम। चाशनी हल्की गर्म कर लिए, इसमें हम इनको डिप कर देंगे। कम से कम 2-3 घंटे हमें रहने देना चाहिए इसमें, 2-3 घंटे के लिए पड़े रहने देना चाहिए, तब ये चाशनी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और अच्छे होंगे। डार्क कलर चाहिए होता है तो हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं इसको, डार्क फ्राई। ऊपर से हम थोड़ा सा इससे गार्निश कर देंगे, नारियल पाउडर है ये, फैसिनेटेड कोकोनट, इससे गार्निश कर देंगे। नारियल पाउडर ऑप्शनल है, ये पिस्तों के साथ और नारियल पाउडर के साथ गार्निश कर दिया है। थोड़ा सा शीरा डाल दिया, चाहे आप इसको शीरे के साथ यूज़ करें या बिना शीरे के, दोनों ही तरीके से अच्छे लगते हैं। आप भी इसको बनाइए, टेस्ट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।